सो अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ह्यूमन आई के बारे में कि हमारी ह्यूमन आई बेसिकली किस किस कंपोनेंट से कंबाइन होके अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपने देखा होगा कि हम कुछ लोग, कुछ छोटे बच्चे बहुत स्टार्टिंग एज पे ही स्पेक्स पहनना शुरू कर देते हैं बिकॉज उनको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज प्रॉपरली दिखती नहीं है, या फिर थोड़ी एज के बाद जब वो थोड़े ग्रोन अप हो जाते हैं, यंगर या एल्डर हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनको स्पेक्स पहनने की जरूरत महसूस होने लगती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आई डिफेक्ट्स। ओके, आई डिफेक्ट्स और विजनरी डिफेक्ट जिनको हम बोलते हैं, वो डिफेक्ट्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वे, यू कैन से कि डिफरेंट डिफरेंट वजहों की वजह से होते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस कि उनके पीछे का रीजन एग्जैक्टली होता क्या है और हाउ वी कैन करेक्ट देम। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द डिफेक्ट्स ऑफ विजन ओवर हियर। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो जो पहला डिफेक्ट ऑफ विजन हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मायोपिया। फर्स्ट वन इज द मायोपिया, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। सो अगर क्वेश्चन में लिखा हो नियर साइटेडनेस, सो हमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेना है कि मायोपिया की बात हो रही है, और अगर मायोपिया है तो हम उसका दूसरा नेम हमें पता होना चाहिए, इट इज नियर साइटेडनेस। ये नियर साइटेडनेस नेम इसका क्यों पड़ा, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो भी पर्सन मायोपिया से, बेसिकली मायोपिया आई डिफेक्ट से अफेक्टेड होता है, वो पर्सन बेसिकली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे रखे हैं, सम डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम दैट पर्सन, उन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। दिस इज बिकॉज द मैक्सिमम फोकल लेंथ इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। और यहां पे किस लेंस की बात हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द आई लेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है वो लेस होती है किससे, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। ओके, सो लेंस एंड रेटिना, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, सो रेटिना इज ऑफ योर आई। सो जो आपके आई लेंस से आपके जो रेटिना के बीच का डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस से कम होती है हमारी फोकल लेंथ, देन द पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम मायोपिया। The ciliary muscles are fully relaxed in this case. Basically, this kind of defects is seen in the younger ages. Okay, in the children's. Okay, this defect is mainly seen in youngers, or you can say children's. So, जितने भी बच्चे होते हैं जिनको जल्दी ही कुछ अर्ली एज पे ही स्पेक्स पहनने की जरूरत महसूस होने लगती है, दैट इज बिकॉज those children's आर अफेक्टेड बाय मायोपिया विच इज नियर साइटेडनेस। इस काइंड ऑफ डिफेक्ट में यह होता है, लेंस और रेटिना के बीच की फोकल लेंथ कम होने की वजह से जो लाइट रे हमारी आईज में एंटर करती हैं, वो आई लेंस से पास करने के बाद रेटिना पे कन्वर्ज होने के बजाय रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि फोकल लेंथ कम होती है और जो लाइट रे, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर कर रही है और कन्वर्ज कर रही है, वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होती, उसी की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो भी प्रॉपरली टेक प्लेस नहीं हो पाता। ऐसा क्यों, क्योंकि रेटिना ही वो मेन यू कैन से फंक्शनरी ऑर्गन है हमारे आई का, जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव होते हैं,
और जब तक लाइट रेटिना पे नहीं पड़ेगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव नहीं होंगे और ऑप्टिक नर्व को सिग्नल नहीं भेजेंगे सो दैट कि वो हमारे ब्रेन तक पहुंच सके और हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाए या एनालाइज कर पाए. ओके, हमने यहां बात करी कि इस आई डिफेक्ट में जो भी पर्सन होता है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख नहीं पाता. अब ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है जिसको हम पर्सन देख नहीं पाता, तो इस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का भी कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा? ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कितने डिस्टेंस पे होगा ताकि हम उसको प्रॉपरली देख पाए. सो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दैट अ पर्सन कैन सी इज इंफिनिटी. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली कहीं पे मेंशन नहीं है. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो सकता है विद इन द रेंज ऑफ आर आईज. ओके, सो कितनी भी रेंज हमारी आई रेंज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि दूर प्लेस कर रखे हैं हमने, उनको हमारी आई जितने भी डिस्टेंस तक प्रॉपरली एनालाइज करके देख सकती है, दैट्स द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये बात हुई मायोपिया आई डिफेक्ट की. ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम दैट हाउ कैन बी करेक्टेड. देखते हैं कि कैसे हम इसको सही कर पाते हैं. सो यहां मैंने तीन डायग्राम्स ड्रॉ करे हैं इन ऑर्डर टू लेट यू गाइज नो अबाउट हाउ इज मायोपिया वर्क. ओके, और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द करेक्शन ऑफ मायोपिया. सो जो पहला डायग्राम हमने यहां ड्रॉ किया है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ नॉर्मल आई. लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस एक्स पे प्लेस है सम पॉइंट फार अवे फ्रॉम द पर्सन. उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलती है दैट विल डायरेक्टली एंटर्स आर आईज. दिस इज द आई बॉल. ओके, दिस इज द नॉर्मल आई बॉल. और आई बॉल को एंटर करने के बाद जो हमारा आई लेंस होता है, ओके, दैट इज कन्वर्जिंग इन नेचर. सो जो लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर करती है हमारी आई में, वो आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द आई लेंस वो कन्वर्ज हो जाती है ऑन टू द रेटिना. दिस इज द रेटिना. और जो इमेज फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली टेक प्लेस करता है फॉर अ नॉर्मल आई. सो लेट सपोज एक पर्सन है जो मायोपिया से अफेक्टेड है. ओके, सो दिस इज द मायोपिक आई. इसमें क्या होता है, इसमें लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है. सो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलेंगी वो कुछ इस तरीके की निकलेंगी इन अ फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. और वो हमारी आईज में एंटर करने के बाद, हमारे आई लेंस से पास करने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी बिफोर द रेटिना. इन स्पाइट ऑफ गेटिंग कन्वर्जिंग एट रेटिना, द आई इट विल गेट कन्वर्ज बिफोर द रेटिना ओवर हेयर. सो जो इमेज फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि जो लाइट रे है वो रेटिना तक पहुंची ही नहीं. इसका रीजन क्या था, बिकॉज जो आई लेंस है और जो रेटिना के बीच का डिस्टेंस है डी, उसकी फोकल लेंथ इज लेस. उसकी जो फोकल लेंथ है वो लेस है, दैट्स वाई. सो इस केस में जो लाइट रे है वो रेटिना तक पहुंचे ही नहीं, तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो टेक प्लेस होगा ही नहीं. अब लेट्स सी हाउ कैन बी करेक्टेड. सो वी कैन करेक्ट मायोपिया We can correct myopia
by using a concave lens. कौन सा lens? A concave lens of appropriate power. Myopia defect हम सही कर सकते हैं by using a concave lens of appropriate power. देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल हमने फिर दोबारा वही ऑब्जेक्ट लिया और उसको कुछ डिस्टेंस पे रखा जिस डिस्टेंस से पहले जो मायोपिक पर्सन था वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा था. अब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो लाइट एमिट करेगा और वो लाइट रे आके हमारे आई में एंटर करेंगी और आई लेंस के थ्रू पास करेंगी. बट यहां पर एक ट्विस्ट है कि लाइट रे जब हमारे आईज में एंटर करेंगी उसके बीच में वी हैव प्लेस अ कॉनकेव लेंस. दिस इज द कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. अब लेंस होता है फॉर एग्जाम्पल अगर जितने भी पर्सन जो भी किसी भी टाइप ऑफ आई डिफेक्ट से अफेक्टेड होते हैं वो लेंस यूज करते हैं. बट हर लेंस की डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो डिफेक्ट कितना वास्ट है या कितना लिमिटेड है इन द आई ऑफ दैट पर्सन. ओके सो हमने यहां पे कॉनकेव लेंस लिया ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. सो क्या इस कॉनकेव लेंस ने क्या करा, जो भी लाइट रे बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से निकल कर हमारे आई में एंटर कर रही थी, अब वो लाइट रे पहले इस कॉनकेव लेंस से पास करेंगी. और कॉनकेव लेंस की स्पेशलिटी क्या है कि वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है. So, इसका मतलब है लाइट रे जब इस कॉनकेव लेंस को स्ट्राइक करेंगी तो पहले वो कुछ थोड़ा सा डाइवर्ज होंगी लाइक दिस और तब हमारे आई लेंस से पास करेंगी. यहां से भी ये कुछ डाइवर्ज होगी और तभी हमारे आई लेंस में पास करेंगी. सो अब जो कॉनकेव लेंस है उसने डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया. सो जो पहले लाइट रे डायरेक्टली हमारी आई में एंटर होके रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही थी, अब वो लाइट रे इस कॉनकेव लेंस की वजह से पहले डाइवर्ज हुई फिर हमारे आई लेंस से पास होते हुए कन्वर्ज हुई. इस डाइवर्जेंस ने जो कन्वर्जेंस होने के बाद जो इमेज फॉर्मेशन था उस चीज को रेटिना पे प्लेस कर दिया जो कि पहले बिफोर द रेटिना हो रहा था. और रेटिना पे लाइट रे का कन्वर्ज होने की वजह से वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. सो दिस इज अबाउट द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई. अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड आई डिफेक्ट जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया. दैट इज हाइपरमेट्रोपिया. इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. ओके सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया. मायोपिया आई डिफेक्ट में ऐसा था कि वी आर नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं. बट हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट द अपोजिट, उसका एकदम उल्टा. सो जो ऑब्जेक्ट हमारे आई के नियर बाय होते हैं वी आर नॉट एबल टू सी दोज ऑब्जेक्ट प्रॉपरली इन हाइपरमेट्रोपिया. ओके सो A person suffering from hypermetropia cannot see clearly the objects closer to the eyes. जो objects और या जो चीजें hypermetropic person की eye के पास होती हैं, वो objects या वो चीजें वो person properly देख नहीं पाता because of hypermetropia. The least distance of the distance vision is quite larger than 25 centimeter. इससे अब क्या मीनिंग है? इससे हमारा मीनिंग यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे आई के पास हो उसको देखने के लिए एटलीस्ट हमारे आई के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस. लीस्ट डिस्टेंस to view the closer objects is 25 centimeter होता है. But hypermetropic person के केस में वो distance
25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा लार्ज होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो 25 सेंटीमीटर की रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर्सन से दूर रखा है 25 सेंटीमीटर की रेंज में, सो उस पर्सन के लिए वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजर ऑब्जेक्ट नहीं होगा. उसके लिए वो बेसिकली अराउंड 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर होगा, नॉट द 25 सेंटीमीटर. सो इस डिफेक्ट में पर्सन जो क्लोजर ऑब्जेक्ट है वो देख नहीं पाता क्लियरली. सो एंड द पर्सन हैज टू कीप द ऑब्जेक्ट इनकन्वीनियंटली अवे फ्रॉम द आई. इसमें जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन कोई बुक पढ़ता है, सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द बुक ओवर हेयर, ही और शी विल कीप ओवर हेयर. वो अपने पास नहीं रखेगा बुक, वो थोड़े डिस्टेंस पे रखेगा ताकि वो क्लियरली पढ़ पाए उस चीज को. सो दिस इज अबाउट हाइपर मेट्रोपिया. सो अब हम देखते हैं दैट हाउ कैन बी करेक्टेड. उससे पहले एक चीज और, ऐसा बेसिकली होता क्यों है, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट. रीजन इज दैट इन दिस द फोकल लेंथ is either too greater or you can say too larger or too smaller. या तो इसके हाइपरमेट्रोपिया तब होता है या जब हमारी फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो या फिर बहुत छोटी हो. ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया. सो अब हम देखते हैं हाउ कैन बी करेक्टेड. सो यहां पे है करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. इस डायग्राम में मैंने फिर दोबारा 3 आईबॉल्स ड्रॉ की हैं. सो ये है 3 केसेस. सो फर्स्ट केस इज द नॉर्मल आई साइट. सो इसमें जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हमारे आई के पास रखा होता है किसी भी ऑब्जर्वर की, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलती है आफ्टर एंटरिंग आर आईज एंड कन्वर्जिंग फ्रॉम द नॉर्मल आई लेंस, वो कन्वर्ज होती है रेटिना पे. ओके, एंड रेटिना सेंड सिग्नल टू द ब्रेन एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. हम वो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली देख पाते हैं. पर हाइपरमेट्रोपिया के केस में, दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक आई, दिस इज द सेकेंड डायग्राम ओवर हियर. So, इस केस में जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट है, जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर प्लेस करते हैं हम, विच इज द मिनिमम डिस्टेंस टू व्यू द ऑब्जेक्ट विच आर क्लोजर टू द आईज, इस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस होता है फॉर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल के हमारे आई बॉल में एंटर करती है और आफ्टर पासिंग थ्रू द नॉर्मल आईलेंस कन्वर्ज होती हैं, वो आफ्टर द कन्वर्जन मीट करती हैं बिहाइंड द आई बॉल. ओके, लाइक दिस लाइट रे आई फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज हुई और दे विल मीट बिहाइंड द आई बॉल या फिर बिहाइंड द रेटिना. जो लाइट रे रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हुई, रेटिना पे कन्वर्ज होने के बजाय, इस रीजन की वजह से जो फॉर्मेशन होता है इमेज का वो नहीं हो पाता, बिकॉज जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है रेटिना पे, ड्यू टू द नॉन कन्वर्जेंस ऑफ दिस लाइट रे एट रेटिना, लाइट रे रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हुई, इसकी वजह से जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं वो है वो ऑप्टिक नर्व को सिग्नल नहीं भेजते सो दैट वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच पाए. So that's the reason my hypermetropic person not able to see the nearby object. Or agar kuch technical ya scientific term mein bole, this is due to larger focal length. और कुछ केसेस में, वैसे मैक्सिमम केसेस में ये होती है लार्जर फोकल लेंथ की वजह से, और कुछ 1 or 2 केसेस में इट इज बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ इज टू स्मॉल. ओके, सो मेनली इट इज बिकॉज ऑफ द लार्जर फोकल लेंथ. अब हम बात करते हैं करेक्शन की.
सो दिस इज द करेक्टेड आई. अब इस करेक्टेड आई में व्हाट वी डिड फॉर द करेक्शन ऑफ hypermetropia we used convex lens of appropriate power. हम इसमें यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. ऐसा क्यों करते हैं, लेट सी. अब जो प्रॉब्लम यहां अराइज हो रही है इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पे, उसमें ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि जो लाइट रे है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो रेटिना पे कन्वर्ज होने के बजाय रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही है. सो फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हमें एक ऐसा लेंस यूज करना है जो कि हमारे आई बॉल की कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर दे या बढ़ा दे. सो वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. अब कॉन्वेक्स लेंस हमने यहां क्यों यूज किया? कॉन्वेक्स लेंस हमने इसलिए यूज किया बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर. अब जो लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट निकली वो पहले कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगी और कॉन्वेक्स लेंस उसको और कन्वर्ज कर देगा और फिर वो हमारे आईबॉल में जो नॉर्मल नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है उसके थ्रू पास करेंगी. सो वी आर कन्वर्जिंग द लाइट रे ट्वाइस. पहले केस में क्या हो रहा था, यहां पे लाइट रे नॉर्मल आई लेंस से थ्रू पास होके कन्वर्ज हो रही थी, पर अब हमने कॉन्वेक्स लेंस भी आई लेंस के आगे फिट कर दिया जिसकी वजह से जो कि लाइट रे है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो दो बार कन्वर्ज हो रही है और वो जाके रेटिना पे मीट कर रही है. सो रेटिना पे मीट करने की वजह से द इमेज विल फॉर्म ओके एंड द सिग्नल विल बी सेंड टू द ब्रेन और इसकी वजह से वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. सो ये है द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ आई डिफेक्ट जिसका नाम है प्रेस बायोपिया. मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हमने डिस्कस करे जो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस थे. अब प्रेस बायोपिया इज द थर्ड काइंड ऑफ आई डिफेक्ट. इस आई डिफेक्ट को वी कैन से इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, कि इसको हम बोल सकते हैं ये दोनों का एक मिक्सचर है, ऑफ द मायोपिया का भी और हाइपरमेट्रोपिया का भी. ऐसा क्यों है, लेट्स सी. दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू एजिंग. ये डिफेक्ट होता है एजिंग की वजह से, इन विच अ पर्सन कैन नॉट रीड कंफर्टेबली. जिसमें कि पर्सन जो भी चीज पढ़ने की चीज है, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो या कुछ भी हो, उसको कंफर्टेबली नहीं पढ़ पाता नियर बाय कीपिंग द थिंग नियर बाय हिज और हर आईज. उसको अपनी आईज के नियर बाय रखने के बावजूद भी एंड डिस्टिंक्टली ऑल्सो मीन्स उसे थोड़ा दूर रखने के बाद भी विदाउट अ करेक्टिव आई ग्लासेस, बिना आई ग्लासेस के प्रेजेंस के विच विद अ एप्रोप्रिएट पावर. सो ऐसा डिफेक्ट जिसमें पर्सन पास की चीजें भी नहीं देख सकता प्रॉपरली और दूर की चीज भी प्रॉपरली नहीं देख सकता, दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज प्रेस बायोपिया. ओके, इसका रीजन क्या है, लेट्स सी. This arises due to aging. In which the power of accommodation, of the eye lens
gets weak. This means the least distance this distance of the nearby object will get increased for the person from 25 centimeter. This is due to weakening of ciliary muscles. अब इसका रीजन ये है कि जब थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है पर्सन की, ओके, और यू कैन से कि जब पर्सन अपनी ओल्डर एज की तरफ बढ़ रहा होता है, तो क्या होता है कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है हमारे आई लेंस की, आपको पता ही होगा कि हमारे आई लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एकदम से कोई पास की चीज देखनी है या एकदम से हम किसी दूर की चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हमारी जो आई लेंस है वो ऑटोमेटिकली अपनी पावर को अकोमोडेट कर लेता है ताकि हम उस चीज को, जो भी वो ऑब्जेक्ट है, उसे प्रॉपरली देख पाए. पर जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, when the person is getting in his or her older age, okay, तो ये जो power of accommodation of eye lens है वो automatically weak होना start हो जाती है. और इस weakness की वजह से जो हमारी basically power है eye lens की in order to accommodate in timely manner, okay, to view the objects properly, वो खत्म होने लगती है. तो That will give rise to presbyopia. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है because जो ciliary muscles होती है हमारी आय की, जो कि हमारे main you can say organ और you can say element है हमारे आय का, वो weak होने लगती है. और ये ciliary muscles के contraction और relaxation की वजह से ही we are able to accommodate the power of our eyelids. अगर सिलरी मसल्स ही वीक हो जाएंगी, वी आर नॉट एबल टू अकोमोडेट द पावर ऑफ आर आई लेंस. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने का डिस्टेंस है, जो कि 25 सेंटीमीटर है, वो 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाता है. और जो फार पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो भी हम प्रॉपरली नहीं देख पाते. ओके, दैट इज प्रेसबायोपिया. सो अगर हम करेक्शन की बात करें, लेट्स डिस्कस अबाउट द करेक्शन. सो अब हम बात कर रहे हैं करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया की. प्रेसबायोपिया एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी प्रॉपर्ली नहीं देख सकता है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी प्रॉपर्ली नहीं देख सकता है. तो इस आई डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कैसा लेंस यूज करें, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ताकि हम प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट को देख पाए. इस केस में वी विल यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेंस जिसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंस. इसका नेम बायफोकल लेंस इसलिए है, लेट्स सी बाय. ये एक ऐसा लेंस होता है विच इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉनवेक्स लेंस लाइक दिस. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंस है जो कि बना होता है कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन से. अपर पोर्शन है लेंस का कॉनकेव का, लोअर पोर्शन है लेंस का कॉनवेक्स का. अगर पर्सन जो कि प्रेसबायोपिया से इफेक्टेड है, उसको अगर फार ऑब्जेक्ट्स देखने हो,
तो वो दैट पर्सन विल यूज अ कॉनकेव पार्ट ऑफ द लेंस, वो दिस पार्ट से ऑब्जर्व करेगा। अगर उसी पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बुक रीड करनी हो या कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखना हो, तो उसे देखने के लिए ही और शी विल यूज द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेंस। ओके, सो दिस इज अबाउट द करेक्शन ऑफ प्रेस्बायोपिया।